नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अजब गजब हाल है अरविंद केजरीवाल का। एक तरफ शनिवार को उनके वकील एन हरिहरन राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा के सामने रोना रो रहे थे कि अरविंद केजरीवाल बहुत बीमार है, उनको अंतरिम जमानत में एक्सटेंशन दे दीजिए मिलॉर्ड, उनके बहुत सारे टेस्ट होने हैं, उनका कीटोन लेवल बढ़ गया है, किडनी खराब होने का अंदेशा है, उनका वजन अचानक से 7 किलो कम हो गया है। 70 किलो था जब वो तिहाड़ जेल में थे, अचानक से पिछले कुछ दिनों में 7 किलो कम हो गया है। उनको कैंसर भी हो सकता है, गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये सारी बातें कोर्ट में कही जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन की बैठक में पहुंचे हुए थे, बिल्कुल तंदुरुस्त नजर आ रहे थे। शनिवार को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडी गठबंधन की बैठक थी। अगर अरविंद केजरीवाल की सेहत इतनी खराब थी जैसा कि उनके वकील कोर्ट में कह रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल को 45 करोड़ के शीश महल में आराम करना चाहिए था, लेकिन वो इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए, जहां पर यह ऐलान किया गया कि इंडी गठबंधन की लोकसभा चुनाव में 295 सीटें आ रही हैं। विक्ट्री का साइन बना रहे थे अरविंद केजरीवाल भी वहां खड़े होकर। तब उनके चेहरे पर कहीं कोई ऐसा भाव नजर नहीं आ रहा था कि वो बीमार है, बिल्कुल सही सलामत दिख रहे थे। और अरविंद केजरीवाल के इन्हीं झूठों की ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरी पोल पट्टी खोल दी। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपनी खराब सेहत का हवाला देकर भ्रम फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कोर्ट को, उसकी सारी बखियां उधेड़ दी ईडी के वकीलों ने। सबसे पहले जो झूठ बोला जा रहा है वो ये कि अरविंद केजरीवाल का कीटोन लेवल बढ़ गया है, वजन 70 किलो से अचानक 7 किलो कम हो गया। तो इसको लेकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल का तो तिहाड़ जेल में कभी 70 किलो वेट था ही नहीं। जब उनको तिहाड़ जेल लाया गया था उस वक्त उनका वेट 65 किलो था, और उसके बाद उनका वजन 1 किलो बढ़ा, और इस बात की तस्दीक तिहाड़ जेल प्रशासन ने की है। तिहाड़ जेल में जो जेल नंबर 2 है, जहां पर अरविंद केजरीवाल को रखा गया था, उस जेल की जो डिस्पेंसरी है, वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने एक लेटर जारी किया है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल का वजन 1 अप्रैल को जब उनको तिहाड़ जेल लाया गया था तो 65 किलो था, उसके बाद 66 किलो भी हुआ, और जब अरविंद केजरीवाल 10 मई को तिहाड़ जेल से बाहर निकले उस वक्त उनका वजन 65 किलो था। तो ये कहां से अरविंद केजरीवाल ने 70 किलो वजन का राग पकड़ लिया? कहां पर ऐसा कोई दस्तावेज है अरविंद केजरीवाल के पास जो ये दिखा सके कि अरविंद केजरीवाल का वजन तिहाड़ जेल में 70 किलो था? तो इस झूठ की सारी पोल खोली ईडी ने, और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता भी झूठ बोल रहे हैं, जानबूझकर झूठ बोलकर इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि सबको लगे कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी गंभीर बीमारी है कि अचानक से 7 किलो वजन कम हो गया। और इस पर सबसे मजेदार बात तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कही। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो 5 फीट 5 इंच के हैं, और ऐसे में 65 किलो तो बड़ा सामान्य वजन है उनका, तो क्यों चिंता कर रहे हैं वो वजन कम होने की? और फिर अरविंद केजरीवाल का वजन अगर कम हो गया था तो क्या उनको ये 20-21 दिन के बाद पता चला? जब वो तिहाड़ जेल से बाहर आए थे उनको तुरंत पता चल जाना चाहिए था कि उनका वजन कम हो गया है, उनको उसी वक्त सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए थे। और बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके वकील की तरफ से जो यूरिन रिपोर्ट कोर्ट में रखी गई वो 20 मई की थी, और जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन रखी गई वो 24 मई की थी। तो ईडी के वकीलों की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को तो 20 मई को पता चल गया कि उनके यूरिन में कीटोन का लेवल बहुत हाई है, तो उन्होंने उसी दिन अपने सारे टेस्ट क्यों नहीं करवाए? उनके कान तो उसी दिन खड़े हो जाने चाहिए थे कि कीटोन लेवल इतना हाई है तो उनकी किडनियां कहीं खराब तो नहीं हो गई, उनको उसी दिन डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने 4 दिन इंतजार किया और 24 मई को मैक्स के डॉक्टरों को अपने आप को दिखाया, तो ये डिले क्यों किया गया? और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से ये भी कहा गया कि कीटोन लेवल का बढ़ना ये नहीं दिखाता कि किडनियां खराब हो गई हैं। अगर किसी की किडनियां खराब होती है तो उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है,
लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये भ्रम, ये झूठी खबरें उनकी तरफ से और उनके नेताओं की तरफ से क्यों फैलाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की किडनियां खराब होने का अंदेशा है, इसलिए उनको टेस्ट करवाने के लिए अंतरिम जमानत में एक्सटेंशन की जरूरत है। और फिर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया कि ईडी की तरफ से अड़ंगा लगाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के टेस्ट ना हो ईडी ये चाहती है। और ईडी तो अरविंद केजरीवाल के गरिमापूर्ण जीने का जो अधिकार उनको संविधान से मिला हुआ है, अनुच्छेद 21 के तहत मिला हुआ है, उसका भी पालन नहीं कर रही है। ईडी अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। इस पर ईडी की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में पूरे सुरक्षित रहेंगे, अगर उनको इलाज की जरूरत होगी, अगर उनके टेस्ट करवाने होंगे तो एम्स में सारे टेस्ट होंगे। पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में बंद थे तो भी एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल उनकी सेहत पर नजर रखे हुए था। डॉक्टरों के उस पैनल के कहने पर ही अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन भी दिया गया था जेल में। तो ईडी की तरफ से भरोसा दिया गया कोर्ट में कि अगर अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह के इलाज की जरूरत होगी तो एम्स अस्पताल है, ईडी की टीम इनको वहां लेकर जा सकती है। तो अरविंद केजरीवाल डर क्यों रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को तो डर उसी दिन लगना चाहिए था जब उनकी यूरिन रिपोर्ट आई थी, तब तो वो डरे नहीं, तो अब क्यों डर रहे हैं? और ईडी की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया कि अरविंद केजरीवाल 21 दिन से अंतरिम जमानत पर है, उनको अपनी सेहत को लेकर ये सारी चिंता उसी दिन क्यों हुई जब 3 दिन रह गए थे उनके सरेंडर को, 2 जून को उनको तिहाड़ में सरेंडर करना है, उससे 3 दिन पहले ही उन्होंने ये शोर क्यों मचाना शुरू कर दिया? जब 7वें दौर के मतदान के लिए 2 दिन का चुनाव प्रचार बचा हुआ था, तभी अरविंद केजरीवाल को याद क्यों आया कि उनकी सेहत तो बहुत खराब है, उनको तो गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, उनको अंतरिम जमानत में एक्सटेंशन चाहिए? पहले क्यों नहीं जागे वो, 20 मई को क्यों नहीं उन्होंने अपने टेस्ट करवाए? और फिर ईडी की तरफ से कोर्ट में ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें खुद ये ऐलान किया था कि वो 2 जून को 3 बजे अपने घर से निकलेंगे तिहाड़ जेल की तरफ और तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। उस वक्त उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि शनिवार को 1 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत पर एक्सटेंशन को लेकर सुनवाई होनी है और वो कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे, ऐसी कोई जानकारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधे सीधे ये मतलब हुआ कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल सही सलामत ठीक तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके चेहरे पर कहीं कोई ऐसे हाव भाव नजर नहीं आए जिससे कहा जा सकता हो कि वो बीमार है। तो फिर जब वो फैसला ले चुके हैं कि उनको 2 जून को 3 बजे सरेंडर करने के लिए तिहाड़ जेल जाना है, तो फिर जो शनिवार को सुनवाई हुई राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसका क्या औचित्य? और ईडी की तरफ से ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत में एक्सटेंशन को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली है और जब भी उनकी अंतरिम जमानत में कोई एक्सटेंशन होगा वो पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 के तहत होगा, उस सेक्शन का पालन करना पड़ेगा। और फिर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ही अंतरिम जमानत देते वक्त ये कहा था कि वो अपनी नियमित जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट यानी कि ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक तरफ अपनी अंतरिम जमानत पर एक्सटेंशन की याचिका डाली और दूसरी तरफ नियमित जमानत की याचिका भी डाली। और यहां पर समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल नियमित बेल की एप्लीकेशन तब कोर्ट में लगा सकते हैं जब वो तिहाड़ जेल में हो। अभी तो अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर है, तब वो नियमित बेल की एप्लीकेशन कैसे मूव कर सकते हैं? नियमित बेल की एप्लीकेशन मूव करने के लिए अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाना होगा, तो वो एक साथ अलग अलग कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं डालकर कोर्ट को भी भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में रखे गए। और इस मामले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ऑनलाइन कोर्ट के साथ जुड़े हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी तिकड़मबाजी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने क्यों की? अरविंद केजरीवाल 2 जून से 9 जून तक एक हफ्ते की
एक्सटेंशन क्यों चाहते थे अंतरिम जमानत में। अगर उनकी यूरिन रिपोर्ट 20 मई को आ गई थी तो 24 मई को वो डॉक्टर के पास क्यों गए, पहले क्यों नहीं गए? इतनी गंभीर बीमारियों का अंदेशा अगर उन्हें सता रहा था तो उन्होंने टेस्ट पहले क्यों नहीं करवाए? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है 4 जून को आने वाले नतीजों को लेकर। अंदर खाने अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि किस तरह के नतीजे आने वाले हैं। भले ही वो इंडी गठबंधन की बैठक में 295 सीटें आने का राग अलाप रहे हों, दिल्ली में 4 सीटें उनको आ जाएंगी, पंजाब में 13 की 13 सीटें आ जाएंगी, ऐसा मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हों, लेकिन अंदर खाने वो भी जानते हैं कि दिल्ली में उनकी जमीन खिसक चुकी है, पंजाब में भी उनको 1-2 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली हैं, और 4 जून को जब मोदी सरकार तीसरी बार केंद्र में आएगी तो उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराएगा। वो सीएम रहेंगे या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर से सरकार चलाने की जिद पर अड़े हुए हैं, जो अभी तक तो चलता रहा है। जब वो 50 दिन तक तिहाड़ जेल में रहे तब तक उनका ये ड्रामा चला, लेकिन अब 4 जून के बाद ये ड्रामा नहीं चल पाएगा। अभी 21 दिन तक अंतरिम जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल के साथ दिल्ली में कई रोड शो किए, यानी आम आदमी पार्टी को एक मैसेज देने की कोशिश की कि जब वो तिहाड़ जेल जाएंगे तो सुनीता केजरीवाल पार्टी को संभालेंगी। हो सकता है उन्होंने अंदर खाने लोगों को ही समझाने की कोशिश की हो, विधायकों को, कि सुनीता केजरीवाल को वो सीएम की कुर्सी देना चाहते हैं, हो सकता है ये समझाने की कोशिश भी हुई हो। और आम आदमी पार्टी के बहुत से विधायक परिवारवादी राजनीति के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि परिवारवादी राजनीति का विरोध करते करते ही अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक दल बनाया था, और अब वो उसी धर्रे पर चल चुके हैं जिसके लिए वो समाजवादी पार्टी की बुराई करते थे, एनसीपी की बुराई करते थे, कांग्रेस की बुराई करते थे। अरविंद केजरीवाल को उसमें भले ही कोई बुराई नजर ना आ रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायकों को इसमें बुराई नजर आ रही है। वो नहीं चाहते कि सुनीता केजरीवाल को उन पर थोपा जाए। तो अरविंद केजरीवाल की ये पुरजोर कोशिश थी कि वो कम से कम 2 जून से 9 जून तक बाहर रहें, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तब वो बाहर रहें, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि 4 जून के बाद बंगाल और दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है, अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरने वाली है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल उन हालात से निपटने के लिए चाहते थे कि वो तिहाड़ जेल ना जाए, बाहर रहें, बाहर बैठकर वो चुनावी नतीजे देखें, और उसके बाद जैसे भी हालात दिल्ली में पैदा हो उनका सामना करने के लिए वो बाहर रहें। उनको भी पता है कि तिहाड़ जेल में रहकर वो सीएम के नाते दिल्ली की सरकार नहीं चला पाएंगे, अब की बार उनको सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, वो खुद छोड़ते हैं या छुड़ाई जाती है वो बात अलग है। तो अरविंद केजरीवाल के तोते उड़े हुए हैं 4 जून को आने वाले चुनावी नतीजों को लेकर, और एग्जिट पोल में वो नमूना देख चुके हैं, वो भी जगह जगह घूम रहे थे, उनको भी समझ में आ रहा था कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उन पर भारी पड़ रहा है, स्वाति मालीवाल का मुद्दा भारी पड़ा है, पंजाब में बलकार सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसकी अश्लील हरकतों का खामियाजा भी आम आदमी पार्टी भुगतेगी, और पंजाब में तो कई सारे और मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के साथ साथ ड्रग्स का मुद्दा भी है। तो अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनके साथ इन लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो चाहते थे कि दिल्ली की कुर्सी बची रहे, जिसके आसार बहुत कम है, और इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत ये कोशिश की कि वो 2 जून से 9 जून तक किसी ना किसी तरीके से अपनी अंतरिम जमानत में एक्सटेंशन हासिल कर लें। इसीलिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट गए, जब वहां बात नहीं बनी तो राउज एवेन्यू कोर्ट गए। क्या उनके वकील को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दी है, तो पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत उनकी अंतरिम जमानत में एक्सटेंशन राउज एवेन्यू कोर्ट नहीं दे सकता? जो बात ईडी ने कही वो तो उनके वकील को भी पता होगी, लेकिन फिर भी वो राउज एवेन्यू कोर्ट गए एक्सटेंशन को लेकर। ये सारी बातें दर्शाती हैं कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त बहुत बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। एक तो तिहाड़ जेल जाने के लिए डरे हुए हैं कि पता नहीं कितने दिन वहां पर उनको रहना पड़ेगा, वो दूसरे सिसोदिया ना बन जाए,
और दूसरी तरफ उनकी पार्टी की सरकार दिल्ली में ना गिर जाए, ये डर उनको सता रहा है। अब देखना होगा 4 जून के बाद दिल्ली सरकार का क्या होता है। अरविंद केजरीवाल जो जिद पकड़े हुए हैं कि वो तो तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे, आतिशी सिंह कहती हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, इसको लेकर ये तमाम दावे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं ये बिना सिर पैर के दावे हैं। हकीकत का पता तो 4 जून के बाद चलेगा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रहती है या नहीं, केजरीवाल सीएम रहते हैं या नहीं। ये सारे वो सवाल हैं जिनका बोझ इस वक्त अरविंद केजरीवाल के दिलो दिमाग में है। इसीलिए वो तिहाड़ जेल नहीं जाना चाह रहे थे 2 जून को, लेकिन अब जब उनको राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है तो आज 3 बजे उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल आज क्या सीधे सीधे तिहाड़ जेल में सरेंडर कर देते हैं या फिर कोई नई नौटंकी करेंगे, कोई नया ड्रामा करेंगे, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल है, हर काम आसानी से नहीं करते हैं, कोई ना कोई ड्रामा जरूर करते हैं। तो 3 बजे शीश महल में क्या ड्रामा होता है, तिहाड़ जेल में क्या ड्रामा होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।